जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वन यू 3.0 का अपडेट सैमसंग M21 में आ चुका है, और इस अपडेट के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कमेंट बॉक्स पर कि इस मोबाइल में इंतुतु बेंचमार्क कितना निकल के आता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो वीडियो आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग स्किप करके डायरेक्ट उस पार्ट में जाते हो जहां पर रिजल्ट आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में 2.5 अपडेट के बाद जितने एंतुतु बेंचमार्क निकल के आया था उसके साथ मैं अभी जो निकल के आएगा उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। मतलब वहाँ पर CPU GPU स्कोर जितना निकल के आया था उसको भी कंपेयर करूंगा। तो आप लोग बोल रहे थे कि गेमिंग में बहुत लैग हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है मैं उसको भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन जो है वो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है। तो हो सकता है 6GB वाले वेरिएंट पर स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि एंतुतु बेंचमार्क बहुत हद तक रैम और रोम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 से 15 मिनट तक का टाइम ले लेता है। तो पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगा, पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं यहाँ पर। और जब तक ये एंतुतु बेंचमार्क चलता है तब तक मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, रेगुलर वीडियोस देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अब आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्कोर निकल गया है वो है 1,58,000 के ऊपर। तो ये बहुत ही कम स्कोर है, क्योंकि इससे पहले जो 2.5 अपडेट के बाद जो स्कोर निकल के आया था वो था 1,70,000 के ऊपर, लेकिन इस बार तो 1,58,000 सिर्फ निकल के आया है। तो अगर हम स्कोर को कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो CPU स्कोर निकल के आया है 60,000, और इससे पहले जो था वो 63,000 था, और GPU स्कोर भी 30,000 और इससे पहले था 38,000। तो आप में से जो लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन पर कि गेमिंग के टाइम बहुत लैग कर रहा है फ़ोन, इसका कारण भी यही है क्योंकि GPU के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है गेमिंग, और ये GPU स्कोर बहुत कम आया है इस बार अपडेट के बाद। पता नहीं कंपनी क्या करना चाहता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि अपडेट के साथ मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बहुत डिक्रीज़ होता है, तो इस बार वही हुआ है, अपडेट के बाद परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो चुका है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है, मतलब हम जो यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन को, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ हुआ है पहले से, बट गेमिंग परफॉर्मेंस कम हो चुका है। तो आप लोग भी अपने मोबाइल पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके ट्राई करके देखना कितना एंतुतु बेंचमार्क निकल के आता है, और जितना भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सकता है आपके केस में अलग हो, तो आप लोग ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो लाया था हिडन फीचर के ऊपर, 1.3.0 अपडेट के बाद जितने भी हिडन फीचर आया है उसके ऊपर, तो उसका पार्ट 2 लाओ। तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, बहुत ही जल्दी आप लोगों को पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।